मम्मी पापा की आशीर्वाद और हमारी मेहनत से आज जो हमने कुछ ऐसी चीज ली है, दिखाता हूँ। सी ये वाली लाए हैं और आज जो हम इसी में जो घूमने जाने वाले हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर थंडर बे के आसपास है और ठंड बहुत है, तो हम जो जा रहे हैं सी लायन, तो आज जो पूरा उसका व्लॉग डालेंगे। और आज ठंड काफ़ी हो चुकी है कि यहाँ पे अभी 2 डिग्री है, तो इसका पूरा मज़ा लेंगे। हम जो है वो पहुंच गए स्लीपिंग जायंट प्रोविजनल पार्क के अंदर सी लायन पे, और वेदर में जो है वो है फिलहाल 3 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी ठंड है और बारिश चालू हो गई है। गाड़ी लेके बहुत मज़ा है भाई, क्या भागती है ऐसे, वो पेडल का चक्का दबा दे ना ऐसे, तो ये पूरा ऐसे चलती है, मस्त गाड़ी है। अभी जो फिलहाल वेदर आप आगे का देखिए, बारिश चालू हुई है, विंटर जैकेट डाल लिया और थोड़ी बहुत गाड़ी भी है, क्योंकि आज जो है वो लॉन्ग वीकेंड है यहाँ पे थैंक्स गिविंग का, तो समझ लो फ्राइडे से ही छुट्टी जैसा है, आज मंडे हो गया है। तो स्लीपिंग जायंट के अंदर इतनी सारी जो है वो प्लेसेस है, ये पूरा जो है ये पूरा लेक सुपीरियर है, और अब हम यहाँ पे है और यहाँ से हम जाने वाले हैं यहाँ पे चल के सी लायन, और सबसे बढ़िया ट्रेल है ना ये है टॉप ऑफ द स्लीपिंग जायंट, वो समर में बहुत मज़ा आता है, तो नेक्स्ट समर में प्लान करेंगे कि वहाँ पे जाए। और सी हम जाओ अभी तो जा रहे हैं आगे सी लायन ट्रेल पे। अभी जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है सी लाइन के लिए 500 मीटर, यहाँ पे भी लेक है, यहाँ पे भी एक ट्रेल है, और जो बारिश है वो बहुत गिर रही है, थोड़ी लेंस में जो है फॉग भी आ रही है, पर ठीक है। यहाँ से ऊपर जाते हैं अभी, और पूरा भाई बहुत ठंडी है आज, फील्स लाइक माइनस में, और वैसे भी जो बारिश होती है ना तब ये ठंडी ज़्यादा लगती है, जब स्नो गिरते है उससे भी। ऐसी हाइकिंग तो यहाँ पे हाइक करके पहला पॉइंट ये है पूछे पूरा, और पानी बहुत साफ है, इतने ऊपर से भी जो है पूरे पत्थर दिख रहे हैं। ये जगह देखो पूरा लेक है, और मेरे नाक में भी सर्दी जम गई है अभी से। हाय हाय हाय, एक मिनट, पूरी शांत है, बहुत मज़ा आता है बैठने का, और पानी का क्या आवाज़ आ रहा है। ये ना यहाँ पे बचपना कभी नहीं जाएगा अपने अंदर से, 3-4 आ देखो आ बड़ा बढ़िया तो हम आ गए हैं सी लाइन पे, जो कि आपने कई सारे वॉलपेपर में देखा होगा, सिग्नेचर जो है वो लैंडस्केप जगह है, ऐसा ही दिखता है। देखो अब ये वाला फोटो देखा होगा आपने, ये रहा, नीचे जा सकते हैं।
गाइस जो हम आ गए हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पे, ये जो यहाँ से पूरा है ये है लेक सुपीरियर, और ये लेक सुपीरियर के उस साइड देख सकते हैं थोड़ी बहुत बड़ी शिप भी आती है यहाँ पे, और पूरा जो है ये आता है हमारा स्लीपिंग जायंट प्रोविजनल पार्क, जो कि आप ये अभी फॉल चल रहा है तो फॉल ख़त्म होने वाला है, तो ये पूरे जो है वो आप ट्री के कलर देख सकते हैं ऑरेंज हो गया है, और उसके स्लीपिंग जायंट के अंदर एक बहुत ही मस्त अजूबा है कि जो कि सिग्नेचर फोटो आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, ये है सी लायन। बहुत ही जो है वो कई बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये इरोशन के बाद ऐसे शेप में आया है, और यहाँ पे पानी जो है ये पूरा ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो गया, ये देखिए बहुत ही साफ पानी है, और यहाँ से आगे जो ये है यहाँ पे एक हाइक भी है स्लीपिंग जायंट टॉप टेंस पर, अभी नहीं जा सकते वहाँ पे जो है बहुत अभी ठंडी है अभी, इसलिए वो ट्रिप हम नेक्स्ट समर में प्लान करेंगे, पर ये अभी जगह जो है वो बहुत ही मस्त है। विदाउट फिल्टर एनीथिंग पूरा जो है ये ग्रीन पानी ब्लू पूरा नीचे का दिख रहा है, और व्यू तो यहाँ पे अभी जो है वो विंटर स्टार्ट भी नहीं हुई फिर भी जो इतनी ठंडी है कि ये तो सिर्फ नॉर्थ ओंटेरियो है, मेरा हाथ पूरे सुन पड़ गया है, ये इसे मूव नहीं हो रहा है, तो सोचो कि नॉर्दर्न कनाडा में कितनी ठंडी पड़ती होगी, यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब हो जाता है, इसलिए जो है वो नॉर्थ साइड कनाडा में कोई प्रीफर नहीं करता, टोरंटो वैंकूवर साइड ही सारे जाते हैं, यहाँ पे भाई बहुत अभी ठंडी है। अभी जो है वो सी लाइन ख़त्म करके हम लोग जाने वाले हैं सिल्वर आइलैंड, छोटा सा सिटी है, वहाँ पर मस्त प्लेसिस है आजू बाजू में देखने की, तो यहाँ पर थोड़ी ठंडी कम है और अंदर थोड़ी ठंडी ज़्यादा थी, पर हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए, और ज़्यादातर तो बारिश है इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी लगती है, और गाड़ियाँ देखिए कितनी यहाँ पे कैंप के लिए आते हैं, और यहाँ से बहुत सारे ट्रैक है 10-12 ट्रैक है, तो यहाँ पे पूरा जो है वो ट्रैकिंग के लिए आते हैं। तो हम लोग जो आ गए हैं सिल्वर आइलैंड सिटी पे, छोटा सा टाउन है, थोड़े बहुत घर है, और यहाँ पे एक स्टोर है 104 साल पुराना, आज जो थैंक्स गिविंग है तो यहाँ पे मफिन्स वगैरह बनाए आज, तो वो भी अंदर जाके देखते हैं, पहले ये स्टोर देखिए, सी ये पूरा स्टोर है, हम लोग अंदर जाते हैं, पूरा विंटेज है। तो ये पूरा स्टोर है, यहाँ पे जो है सारी चीज़ें है क्लॉथ वगैरह सिल्वर आइलैंड, तो और यहाँ पे सारे मिठाई मफिन्स यहाँ के वो भी है अलग अलग, बिकॉज टुडे इज थैंक्सगिविंग, बहुत ही मस्त है जो पूरा ये स्टोर बहुत ही विंटेज है। अभी जो है वो हम सिल्वर आइलैंड होके आ गए हैं मेरी लुई लेक, बहुत ही मस्त अभी कूल हवा चल रही है, नहीं कि कोल्ड, तो ये पूरा जो है पीछे बीच साइड है, और यहाँ पे बहुत सारी कैंप साइट भी है, जिसका जो है वो स्टार्टिंग प्राइस $155 प्लस टैक्स से चालू होता है, तो हम कैंप तो फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सारा बुकड है पहले से ही, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे खाना वाना लेके आए हैं, तो वो वहाँ पे बैठ के खाएंगे, और ये पूरा बीच साइड है, अभी वहाँ पे अंदर जाते हैं। हाँ, बहुत ही तेज चल रही है यहाँ पे बीच पे, और ठंड भी है भाई,
बाहर निकला, बहुत ठंड है। हाय 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 हाय, क्या जगह है, आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त प्लेस है। सी फिलहाल जो है हमने बढ़िया सी सैंडविच बना के लाए थे, तो वो जो है हमने खा ली है। और जो हमारे बहुत ठंड है तो हम थोड़ा दौड़े हैं, तो थोड़ा ही दौड़ के सांस फूलने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, अपना इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी जो है हम आ गए हैं थंडर बे लुकआउट की, जहाँ पे वो थंडर बे के सामने की साइड है, और वहाँ से ऊपर से पूरा जो है वो सामने की ओर लेक सुपीरियर, और उसके पीछे थंडर बे पूरा दिखता है। तो दिखाता हूँ आपको, बहुत मस्त है। थंडर बे लुकआउट से बाहर आके अभी जो है वो थंडर बे की साइड हम आ गए हैं टेरी फॉक्स में, जो कि एक मेमोरियल जैसा स्पॉट है, कोई खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पार्क जैसा बना है और पूरा ऊपर से दिखता है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सब मेमोरियल जैसा बना है, और यहाँ पे ये जो मेन हाईवे है, ये हाईवे ही ऊपर की तरफ जो है टोरंटो साइड जाता है, और यहाँ के सामने जो है वो लेक सुपीरियर दिखता है। ये पूरा लेक सुपीरियर है, ये जो है वो कनाडा का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स है। इस साइड जो है टोरंटो जाते हैं, इस साइड है वो भी नहीं पे जाते हैं। बस तो ये टेरी फॉक्स में यही है, यहाँ पे एक छोटा सा मेमोरियल जैसा बनाया, और नीचे जो है वो सारे यहाँ पे कनाडा में हर एक स्टेट में जो है वो फ्लैग हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं, तो कनाडा तक तो है ही फ्लैग, पर स्टेट वाइज भी है, तो वही सारे नीचे थोड़े फ्लैग का जो है वो क्राफ्ट किया है, और एक स्टेचू हाईवे के ऊपर। बाकी अभी जो हम काका बे का जाएंगे, वो तो मैंने ब्लॉग में डाला ही था, इसलिए इसमें नहीं डाल रहा हूँ। और बाकी जो कहीं बाहर खाना जाने तो वो शायद ढाबा वगैरह वहाँ पे जाते हैं, तो ठीक है, वो तो वो आपको दिखा दूंगा आगे। बस तो यही सारा था घूमना आज का हमारा। ये फॉल अभी ख़त्म हो गई, अभी विंटर स्टार्ट होगी, तो कहीं पे घूमने वैसे तो नहीं जा सकते, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, सारी जगह पे घूमे बहुत मज़ा किया। बाकी जो है वो नॉलेज का वीडियोस डालते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।